गलत बात है। नहीं मतलब हमने तुमको तुम्हारा जॉब वापस दिलाया और तुमने पहले ही दिन अपना रंग दिखा दिया, पहले ही दिन चोरी कर दिया। और चोरी भी तो का किया, बच्चा का खिलौना। हाँ बल्ली सर, मैंने कोई चोरी की है बे? चोरी की है तूने? तेरे मालिक ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अबे नहीं समझ में आ रहा कुछ हमको। कैसे समझेंगे मिस्टर बुलबुल पांडे? निर्दोष की जबान समझने के लिए दिल में जज्बात होने चाहिए। तो आप क्या यहाँ पे जज्बात का ट्यूशन पढ़ाने आई हैं आप? नहीं, हम सिर्फ राधे को लेने आए हैं। बैठ कर बात करें। पुष्पा जी आप यहाँ? वो व्रत है ना आज आपका। तो क्या, एक तो सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में आप बीमार हो गई। तो अभी आप जाइए, आराम कीजिए, यहाँ की ड्यूटी हम संभालते हैं। आप पता क्या कह रही हैं, हमें ड्यूटी से बेमानी करने के लिए कह रही हैं। हमारे ड्यूटी आज यहाँ लगे तो हम यहीं ड्यूटी निभाएंगे ना। आपका ड्यूटी थाने में है, आप थाने में जाकर ड्यूटी निभाइए। हमको कुछ नहीं हुआ है पुष्पा जी, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। पता है हमको आप ठीक है, कुछ खाती नहीं है ना तो गुस्सा ना आपका सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और हमें यह भी पता है जो चिड़चिड़ हो रही है ना वो क्यों हो रही है। भरोसा करना सीखिए सामने वाले पे और खास करके मैडम सर पे। गई है ना वो बुलबुल से बात करने के लिए, संभाल लेंगी सब कुछ, आ जाएगा राधे बाहर। बिना मतलब के जी जला रही है। बिना मतलब के जी नहीं जला रहे हैं हम जानते हैं उस बुलबुल पांडे को। मैडम सर के जज्बातों से मानने वाला नहीं है, लात का भूतर लात से बनेगा। अरे रुको 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 भाई रुको 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 रुको, अरे उठाओ 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 जल्दी उठाओ। देखिए आप और हम ये दोनों बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि राधे निर्दोष है, किसी के बेमाने गुरूर की कीमत चुका रहा है। गलती क्या की उसने? जिस कंपनी में राधे काम करता है उसमें ये प्रावधान है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल रखने के लिए 15 से 20 दिनों की पटर्निटी लीव की मांग कर सकता है। तो फिर क्या गलत मांगा उसने? ये तो उसका हक है। ऐसा क्या गलत हो गया कि उसके बॉस ने और आप सब ने मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे अरेस्ट कर दिया? देखिए शत प्रतिशत आपका बंदा रॉन्ग है, बात में कोई तुक्की नहीं है। अरे पति कहा करेगा बेमतलब की छुट्टी लेकर, बताओ भाई। जी बिल्कुल सही है सर, हमने भी कहा छुट्टी ली थी, ये सब बेमतलब है। ये बेमतलब की छुट्टियां नहीं है सर, जो प्यार जो अपनापन और जो सुरक्षा की भावना एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है ना वो कोई और नहीं दे सकता सर। ऐसे वक्त पे हर पत्नी चाहती है कि पति उसके साथ रहे, दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, सबसे ज्यादा केयर करे। और शायद आप ये तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। आई एम सॉरी सर, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? कांस्टेबल संतोष ये सब आप पे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरी बीवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो फिर तो आपने भी छुट्टी की अर्जी दी होगी। इतने अच्छे इंसान नहीं है ये। 9वां महीना चल रहा मैडम, लेकिन मजा ले मैंने एक दिन भी छुट्टी ली हो। अरे मैं तो डिलीवरी के बाद भी छुट्टी नहीं लूंगा। अरे क्यों ले छुट्टी, जब हम अपने काम में अपना वाइफ का मदद नहीं लेते तो उनको उनके काम में हमारा मदद का क्या जरूरत भला? जन्म देने की बात को आप काम कह रहे हैं मिस्टर पांडे? एक बार जरा अपनी वाइफ से पूछ लीजिए कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अरे वाइफ से याद आया, फोन करना था जी उनको। क्या है भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो ऐसी हालत में घर से बाहर निकले हो आप? जी कुछ नहीं, बस करवा चौथ की खरीदारी के लिए निकली थी इसलिए। मगर ऐसी हालत में व्रत क्यों रखा है आपने? होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। नहीं मैडम, फ्रूट्स खा रही हूँ मैं। हाँ पर आपके पति नहीं है आपके साथ? वो काम पर गए हैं ना। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी सेहत? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका काम ही कुछ ऐसा है ना कि हमेशा बिजी रहते हैं। ऐसा भी कौन सा काम है कि हमेशा ही बिजी रहते हैं, कभी तो टाइम मिलता होगा। जी वो पुलिस में है ना इसलिए। पुलिस में? क्या नाम है उनका?
हेलो। अरे कुछ नहीं, बस बताना भूल गए कि जरूरी काम से हम दिल्ली निकल रहे हैं। अभी 2 घंटे में हमारा फ्लाइट है, समझे? लेट हो जाएगा आने में। जी क्या है ये सब? एक तो आप वैसे ही घर पर टाइम से नहीं आते, और इस हाल में ऊपर से करवा चौथ का व्रत, इस हाल में भी भूखा रखेंगे क्या मुझे? अरे नहीं भाई, आ जाएंगे 12 बजे से पहले। अब रखो फोन, हम जरा बिजी है यहाँ। ये रख दीजिए। चलिए मैं चलती हूँ, घर जाने में देरी हो रही है। जी संभाल कर जाना, अपना ख्याल रखना। हाँ वाइफ तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है मैडम, लेकिन हमको तय करना होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। इनके लिए तो वाइफ भी जरूरी नहीं है। अच्छे से समझ रहे हैं, आपको भी और आपकी सोच को भी। फिलहाल के लिए हम आपसी मतभेद में राधे को ना घसीटें तो बेहतर होगा। आप इसे छोड़ दीजिए, बदले में आप जो चाहेंगे हम करेंगे। पक्का? जबान देते हैं। मैडम माफ कीजिए। बहुत ही होशियार समझ रहे हैं ना आप महिला थाने वाले खुद को। हमरा लाइव बेइज्जती किया था कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग करके। अब ये जो कागज पे लिखा है ना, वो आपको हमारा कैमरा के सामने बोलना है। मैडम सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर देर किस बात की? लेट्स स्टार्ट। मोबाइल निकालो और रिकॉर्डिंग करो। चलिए मैडम। हमें लगता है कि हमारे महिला पुलिस थाने का महिला स्टाफ थाने को चलाने में उतना सक्षम नहीं है जितने पुरुष थाने के SHO बुलबुल पांडे हैं। Yes. उनकी योग्यता, दक्षता और कर्मठता का कोई मुकाबला नहीं। हम महिला चाहें भी तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। सुन रहे हो? हमें बहुत कुछ सीखना है अभी बुलबुल जी से। दिली ख्वाहिश है कि किसी एक दिन वो हमारे थाने पर चार्ज लें और हम महिला पुलिस थाने को सिखा सकें कि एक थाना असलियत में कैसे चलाया जाता है। राधे राधे। ये वीडियो बाबू पक्का वायरल होगा 100%। हमें लगता है कि हमारे महिला पुलिस थाने का महिला स्टाफ थाने को चलाने में उतना सक्षम नहीं है जितने पुरुष थाने के SHO बुलबुल पांडे हैं। उनकी योग्यता, दक्षता और कर्मठता का कोई मुकाबला नहीं। हम महिला चाहें भी तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ये क्या किया मैडम सर ने? ऐसे घटिया सोच वाले इंसान को तो गोली से उड़ा देना चाहिए था। ये छोड़ेंगे नहीं हम इस बुलबुल पांडे को, और इस बार कोई हमको रोकेगा नहीं। सुनिए तो। अरे मैडम सुनिए। मैडम सर, ये आपने, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, पर हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम हमने राधे को उसके घर तो पहुंचा दिया। जी पुष्पा जी, एकदम गुस्से में चली गई करिश्मा मैडम। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, ऐसे समय तो एकदम पगला जाती है वो। और आपका वो बुलबुल वाला वीडियो देखकर अपना आपा खो बैठी है। पुष्पा जी, कुछ भी करके रोकिए करिश्मा सिंह को, हम बस आ ही रहे, बस पहुंच रहे, जल्दी चलो। जी मैम। मदद करेंगी आप मेरी? मुझे बहुत देर से रिक्शा नहीं मिल रहा, आप मुझे घर तक छोड़ देंगी? माफ कीजिएगा, हम बहुत जल्दी में, हमें एक अकाउंट क्लोज करना है। आप ये है ना, आप इनके साथ जाइए, बहुत ही अनुभवी और समझदार महिला है। नहीं नहीं, आप ना थोड़ी देर रुकिए ना। करिश्मा जी सुनिए। ठीक तो है? अरे बाप रे, क्या करें हम? क्या क्या हुआ इन्हें?
कुर्सी लेकर आ, कुर्सी लेकर आ। नहीं, लेबर पेन शुरू हो गया है मैडम का, इन्हें जल्दी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इनके हस्बैंड ना पुलिस में, आप अपने हस्बैंड का नंबर बताइए जल्दी। हम बताइए। कोई फायदा नहीं, अब तक तो फ्लाइट के लिए निकल भी चुके होंगे। ऐसे कैसे आपको इस हालत में छोड़कर जाएंगे वो? नाम क्या है उनका? जी, SHO बुलबुल पांडे। देखिए, जो कुछ भी हो फिलहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी होगी। आप बताइए, आपका हॉस्पिटल कौन सा, आपकी डॉक्टर कौन है, बताइए। बताइए। डॉक्टर मीना, कमल नर्सिंग होम, बेगम रोड। बेगम रोड? मैडम सर, ये तो काफी दूर है, 30-40 मिनट लग जाएंगे, और इनकी हालत देखिए बहुत खराब हो रही है, जल्दी लेके जाना पड़ेगा इन्हें। संतोष, गाड़ी निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से, जल्दी बैरिकेड हटाओ। मैडम सर, हमारे पास बाइक है, हम जाते हैं, हम वहाँ पे तैयारी करके रखते हैं हॉस्पिटल में, आप तक पहुँच। ठीक है, जाइए जाइए, चलिए। देखिए, मैडम सर ये बेहोश होने लगी है, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। संतोष, मैडम सर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक में, शॉर्टकट से लेते हैं। ओके, चलो। मैडम सर, गुलगुल पांडे दीजिए। हेलो, बुलबुल पांडे जी, SHO हसीना मलिक, ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरी वाइफ का है। हमारे साथ ही है। मतलब तुमने हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया? देखिए, आप हमारी बात सुनिए, हम बहुत ही गलत किया हसीना मलिक, बहुत ही गलत किया तुमने, हमसे बदला लेने के लिए हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया तुमने। हो गया आपका, अब हम बोले। आपकी बीवी मार्केट में अकेली थी और उनको लेबर पेन शुरू हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कमल नर्सिंग होम। हम कैसे विश्वास कर ले, बात कराइए हमारी वाइफ से। हमारी आपके पति हैं लाइन पर, बात कीजिए ना। ये बात नहीं कर पाएंगे मैडम। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है, आप प्लीज आ जाइए, वो बात नहीं कर पा रही। तो देखिए, आप झूठ बोल रही है, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है हमें आप लोगों पर। अगर हमारी वाइफ को कुछ हुआ ना तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको हसीना मलिक। हेलो हेलो हेलो, हसीना मलिक जी, बात नहीं। हेलो जी, नहीं नहीं अभी नहीं आ सकते, बहुत इमरजेंसी में हम। आज भी लेट, आज तो टाइम पर आ जाओ यार, बहुत भूख लगी है। हमको नहीं लगा है, अब आपको किसने कहा था व्रत रखने के लिए? अब आप हीरो बने हैं तो अच्छे तरीके से हीरो बनिए, अब वेट कीजिए हमारा, हम आते हैं, ठीक है? नहीं सही है, पर सच बताए तुमको, वो करवा चौथ का लाल साड़ी वाला गेटअप में देखने को मन बहुत मचला रहा था, इसीलिए। पति देव, आप भी मतलब हमारे यहाँ जान सूखा जा रहा है भूख से, और आपको रोमांस सोच रहा है अभी भी। हम कहे ना, हम इमरजेंसी में, हम करते हैं, हम आते हैं, आप रुकिए। वो का है डॉक्टर मीना? एक मिनट मैम। डॉक्टर मीना का है, काम पे ध्यान दो। वो तो नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ गई, कहाँ पे है? घर, वो आज करवा चौथ का व्रत था ना, इसीलिए वो जल्दी चली गई। डॉक्टर मीना को फोन लगाओ, इमरजेंसी है, डिलीवरी करवाना है, यहाँ पे जल्दी है, जल्दी फोन लगाओ। सॉरी मैम, उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है, इसीलिए उनका नंबर भी बंद है। एड्रेस दो उनका, जल्दी लिखो। हाँ बस पहुँचने ही वाले हैं हम। रहने दीजिए मैडम सर, मत उठाइए। हाँ मैडम सर, मत उठाइए फोन, एक तो हम वैसे भी इतने परेशान हैं, वो कुछ समझेगा नहीं, चार बातें आपको ही सुना देगा। सही कह रही पुष्पा जी, हम उनकी मदद करें, थैंक्स बोलने के बजाय हमें ही थ्रेट दे रहे हैं। तो भगवान ना करे अगर इनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो इस सब के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराएगा। कुछ भी करके हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा मैडम सर। लंबी लंबी सांसें लो, पहुंचने वाले। क्या हुआ? कुछ नहीं, हाँ
लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मीना, आप डॉक्टर मीना? जी मैं ही हूँ डॉक्टर मीना। जी आपको हमारे साथ चलना होगा, इमरजेंसी है, अब हम लेने आए हैं आपको। आप हमें कहाँ ले जाने आई? हॉस्पिटल चलना होगा, डिलीवरी है, हम आपका अगर हो गया हो तो प्लीज चलिए हमारे साथ। मैं नहीं आ सकती, आप देख रही हैं करवा चौथ का व्रत रखा है, मैं अभी घर पे आई हूँ। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ बात कर लूंगी। देखिए हम सब समझ रहे हैं, लेकिन पेशेंट आपका है, इतने टाइम से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहा है आपके, तो अगर आप वहाँ होंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप पे भरोसा करती हूँ, अगर आप होंगी ना तो थोड़ा इमोशनली सिक्योर फील करेंगी। और क्या है, जहाँ तक बात रही हॉस्पिटल की, तो वहीं से हमारे यहाँ पता किया है, कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए आपको हम यहाँ पर लेने आए हैं। और जहाँ तक करवा चौथ का बात है तो वो तो हम भी रखे हैं, लेकिन देखिए आपके सामने खड़े हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़र्ज़, जो हम निभा रहे हैं, और अच्छा रहेगा अगर आप भी निभाएंगे तो, क्योंकि किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपकी कोई नज़दीकी रिश्तेदार है क्या? जी नहीं, हम उनका नाम भी नहीं जानते। ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए। सुनो कुछ खा तो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। आपके हाथ से पानी तो पी लिया ना हमने, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खा लेंगे रास्ते में, आप चलिए, आप चलिए। मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी आप जल्दी आइए। हाँ जी करिश्मा सिंह। हाँ मैडम सर, हम डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। आप कहाँ पहुँची? हम लोग यहीं रास्ते में हैं, अभी तक गाड़ी खराब हो गई इसलिए हम लोग अटक गए हैं। सुनसान जगह पर है, दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। हम एम्बुलेंस भेजें मैडम सर? उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जल्दी करो। बस कोशिश कर रही हूँ पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, पल्लवी जी की तकलीफ बढ़ती जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी बेहोश हो सकती हैं। तो फिर क्या करें मैडम सर? आप एक बात बताइए, आप हैं कहाँ पे अभी? हम लोग हैं यहाँ मुंशी पुलिया के पास। हमें समझ नहीं आ रहा है पल्लवी जी की हालत खराब होती जा रही है, कहाँ लेकर जाएं उन्हें। करिश्मा सिंह एक काम कीजिए, आप और डॉक्टर यहाँ पर आ जाइए। हम? ज्यादा सवाल मत कीजिए, आप लोग यहाँ पर आइए जल्दी, इट इज वेरी अर्जेंट। ठीक है मैडम सर, हम पहुँच रहे हैं, जय हिंद। संतोष शर्मा चीता को बुलाइए जल्दी। जी मैडम सर। देखिए प्लान में थोड़ा चेंजेस है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें कहीं और जाना पहले। कहाँ जाना है? अब चलिए हमारे साथ आइए। देखिए कस के पकड़ के बैठिएगा। आइए मैडम, आ जाइए, थोड़ा कपड़ा मारो, साफ बैठिए मैडम, क्या खाएंगी? देखिए हमें मदद चाहिए आपकी। कैसी मदद? डिलीवरी के लिए। अरे तो उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी बहन जी? बहन जी मेरा मतलब है मैडम, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर दिए होते, डिलीवरी आपके घर में पहुँच जाती। बोली मैडम क्या चाहिए आपको? सब कुछ ताजा गरम गरम मिलेगा आपको, नान पराठा, कुलचे पराठा, छोले पनीर। बच्चे की डिलीवरी करनी है। बच्चे? जी चलिए संभल कर, धीरे धीरे आइए आइए। गुड सही जा रहा है, चलो जाओ फटाफट, ये गद्दा चादर अंदर सब सेटअप करो, जाओ चलो। मैडम दीदी मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आप पकड़ के बैठिए, अभी स्पीड और बढ़ना है। बस थोड़ी और हिम्मत रखिए, हाँ थोड़ी सी और। मैडम सर, चलिए चलिए सब लोग बाहर निकलिए। डॉक्टर लाना थी, किसको पकड़ के लाए करिश्मा मैडम? हाँ मैं डॉक्टर ही हूँ। चल चलिए चलिए चलो चलो चलो, अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा सब। नहीं नहीं आप मत जाइए प्लीज, अभी है ना वो। अच्छा ठीक है आप रुक जाइए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ करिश्मा सिंह? वो पति देव का फोन आ रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं ना कि कब हम घर पहुंचे और करवा चौथ का व्रत तोड़े। अरे वाह बहुत लकी हैं आप।
कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, उन्हें आपके भूख की इतनी चिंता है। नहीं नहीं, हमारा नहीं, वो खुद के भूख का चिंता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ करवा चौथ का व्रत रख के बैठे हैं। सो स्वीट, भगवान ऐसा पति सबको दे। मिल तो गया है संतु जी, अब और कितना मिलेगा। करिश्मा सिंह, वैसे आप चाहें तो अपना व्रत खोलने की रस्म यहाँ भी कर सकती हैं। यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वीडियो कॉल पर कर लीजिए, चांद तो यहाँ भी है। और सारी चीजें यहाँ इनके ढाबे पे मिल सकती है क्यों भाई? छन्नी वन्नी थाली वाली दिया विया वो है ना सब आपके पास? लाओ 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 तब ला रहे। हाँ पतिदेव, अब व्रत खोले। हाँ बोलिए बुलबुल पांडे जी। देखिए देखिए, हम वहाँ पहुँचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमें आने में थोड़ा सा देर लग जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पत्नी को कुछ करिएगा मत। अरे उसका का लेना देना आपका हमारा मत भेद से। क्या सबको अपनी तरह समझ लिए हो आप? गर्भवती महिला को सांप भी फन नहीं मारता, तो हम तो फिर भी एक महिला है। पल्लवी का कहाँ है पल्लवी, हमारा बात कराओ उससे। देखिए अभी बात नहीं करवा सकते, अभी वो डॉक्टर के साथ है, तो थोड़ी देर में बात करवाते हैं आपकी। कौन से हॉस्पिटल में हम अभी आते हैं? तुम मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं तो कहाँ है? यहाँ है हमारे साथ ढाबे पर। क्या ढाबे में? मजाक कर रहे हो मेरे साथ, बेवकूफ बना रहे हो मेरा। देखिए आप, मैडम सर क्या क्या सब ठीक? लड़की हुई है। अरे मिस्टर बुलबुल पांडे, आप बेवकूफ नहीं बाप बने। कभी सोचा नहीं था कि हम आपको एक खुशखबर देंगे, आपके घर बेटी हुई है। चलिए मिलवाते हैं आपको आपकी बेटी से। पल्लवी हमको माफ कर दो, हमें वहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अच्छे पति तो हम कभी थे ही नहीं, अच्छे पिता भी नहीं बन पाए। हमसे बदनसीब बाप और कौन होगा पल्लवी? ऐसे क्यों कहते हैं जी? वादा करते हैं पल्लवी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा भी और हमारी नन्ही परी का भी। आज ही हम पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर देंगे। हसीना मैडम जी, हम आपसे लाइव वीडियो पे कुछ बुलवाए थे ना, आज हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। और विश्वास कीजिए हमारा, ये वीडियो आपके वीडियो से ज्यादा वायरल होगा, देख लीजिएगा। मैं हमेशा मानता था कि औरतों का काम घर और बच्चे संभालना होता है, और मर्दों का काम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना। लेकिन मैं गलत था, मर्दों को संवेदनशील होने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने काम को लेकर बल्कि अपने रिश्तों को लेकर भी। तभी वो समझ पाएगा औरत के गर्भपति होने का मर्म और पैटर्निटी लीव का सही महत्व, समझ पाएगा कि औरत को गर्भावस्था में पति के साथ रहने का कितना आवश्यकता होता है, कितना जरूरी होता है। हमने राधे किशन जैसे मासूम इंसान के साथ नाइंसाफी की, पर हम वादा करते हैं हम राधे किशन को उसका जॉब वापस दिलाएंगे। ना ही सिर्फ जॉब वापस दिलाएंगे बल्कि पूरा ड्यू सैलरी के साथ दिलाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ दिलाएंगे। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिल से सलाम। जय हिंद।